हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनु मैम, संस्कृत मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग एक, पाठ दो, द्वितीय पाठ संस्कृत वर्णमाला। हम आज संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती। तो बेटा संस्कृत में बच्चों वर्णमाला हिंदी और संस्कृत में एक सी ही होती है। आज हम आपको वर्णमाला के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसको कि वर्ण कहते हैं। और वर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। पता है आपको, वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णमाला में जो वर्णों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का पूरा समूह होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्ण क्या होता है बच्चों? लेटर होता है, अक्षर होता है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? स्वर, जिसे हम वॉवल बोलते हैं। स्वर आपको पता है, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, स्वर वॉवल होता है। एक होता है व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जो व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, जिसे कि हम वॉवल बोलते हैं, और दूसरा व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ बच्चों हम स्वर के बारे में जानते हैं कि वॉवल क्या होते हैं। जिन वर्णों के, जिन अक्षरों के उच्चारणों में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, नहीं लेनी पड़ती है, उन स्वरों, उन वर्ण को हम, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से समझिए एक बार कि जिन वर्णों के हम बोलने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो कौन से कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी है बच्चों? उनकी संख्या है, कितनी है? 13। वो कौन कौन से वर्ण हैं? समझते हैं, अ, हमें बोलने में किसी की भी सहायता लेनी पड़ी, अ। फिर है आ, इ, उ, उ, रि, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 13 वर्ण है, ये क्या कहलाते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। इनके बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब स्वर भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, समझ में आया? स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं ह्रस्व। ये छोटे स्वर होते हैं, जैसे अ, इ, उ, रि, लृ। ये 5 कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, जो छोटे स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, ये 8 होते हैं संख्या में, और ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, बड़ी ई, बड़ा उ, रि, हाँ, जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है हमें बोलने में, ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन से हैं? ये दीर्घ स्वर हैं, ये 8 होते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ये 5 होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। ये मैंने आपको बताया, अ, इ, उ, रि, लृ, ये 5 होते हैं। ए, ऐ, ओ तथा औ की संयुक्त या इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। किस किस को? ए को, ऐ को, और ओ को, और औ को, इनकी संयुक्त या इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में बच्चों ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में तो अभी आपने देखा, बोलने में हमें बिल्कुल भी किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने होंठ की सहायता ली हो या हमने दांत की सहायता ली हो। हमने उसको बोला ऐसे अ, 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 आ में तो हमें मुंह खोलना पड़ा, फिर भी सहायता लेनी पड़ी। लेकिन अ, अ बोलने में ह्रस्व स्वर है, अ, इ, है ना, कहीं हमने किसी की सहायता ले ली, उ, रि, लृ, तो ये हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में हमें थोड़ी सहायता लेनी पड़ी, आ मुंह खोलना पड़ा, ई बड़ी, ऊ, रि, और ए, ऐसे भी मतलब सहायता लेनी पड़ी हम ना मुंह से किसी चीज की, किसी अन्य वर्ण की सहायता की हमें जरूरत पड़ी, लेकिन ह्रस्व स्वर में नहीं लेनी पड़ी।
और दीर्घ स्वर में हमें थोड़ी सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, दुगना समय लग जाता है बल्कि। अब है बच्चों, हम कुछ स्वरों के बारे में जानते हैं, जैसे ये स्वर है, चित्र देखना है आपको और चित्र के माध्यम से आपको जो ये दिए हुए हैं इनको पढ़ना है और जानना है कि ये क्या है। अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है, क्योंकि मैं आपको फिर पूछूंगी कि ये क्या होता है, आपको बताना होगा। जैसे मैंने आपको बताया अ से अनार, हिंदी में भी आप कहोगे मैम यही बोलते हैं, तो आपको बोलना है अ, हिंदी में बोलते हैं अनार। अब ये अ संस्कृत में अ से हम बोलेंगे अनल, क्या बोलेंगे अनल, अनल क्या होती है, ये क्या निकल रही है बच्चों, आग। अनल क्या होता है, आग। आग का पर्यायवाची भी अनल है, अनल भी है, पावक भी है, लेकिन वो प से तो नहीं आएगा यहाँ, अ से अनल, अनल माने आग। आ से आम्रम, आम्रम माने आम। छोटी से इक्षु, इक्षु क्या होती है, ईख, यानी कि वो जो गन्ना होता है ना ईख, वो होता है। बड़ी ई, बड़ी ई से ईशह, ईशह मतलब भगवान। उसे क्या होता है, उद्यानम, उद्यानम क्या होता है बच्चों, बगीचा। ऊ बड़ा ऊ, ऊ से उर्मिका, उर्मिका क्या होती है, ये क्या दिख रही है आपको, अंगूठी। उर्मिका क्या होती है, अंगूठी। रि से ऋषि, ऋषि, ऋषि को तो ऋषि ही बोलते हैं, है ना, और रि ये होता है रिकार, रिकार है रिकार, ये तो रि होता है रिकार, इससे हम इसको रिकार ही उच्चारण करेंगे इसका। अब बच्चों ल्र, ल्र क्या है, लकार, 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 लकारी है। ए से एशह, एशह क्या होता है, ए से एण, एण क्या होता है, हिरण, क्या होता है एण, हिरण। ऐ जिसे हम कहते हैं, ऐ से ऐनक हिंदी में बोलते हैं, ऐ से एड़कह, एड़कह क्या होती है, भेड़, क्या होती है, भेड़। ओ से क्या होता है, ओदनम, ओदनम क्या होता है बच्चों, ओदनम होता है, दिख रहा है आपको ये, आप कहोगे मैम ये क्या है, लेकिन ये है चावल, क्या है ये, ओदनम चावल। औ से क्या है, औशीरम, औशीरम किसको बोलते हैं, बिस्तर को, संस्कृत में औ से औशीरम यानी कि बिस्तर। अब है अंग से अंश, ये अनुस्वार आ गया, अंग से अंशुमान, अंशुमान कौन होते हैं, सूरज को बोलते हैं, सूर्य अंशुमान सूरज है, और अह अंग और अह ये है अनुस्वार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे ये आ गए हैं व्यंजन, जिन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। आपको बच्चों पता है व्यंजन में हमारे वर्ग होते हैं पांच वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। तो हम कवर्ग के बारे में जानते हैं, कवर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ण, ये पांच, हर वर्ग में पांच पांच वर्ण आते हैं, क ख ग घ ण। और चवर्ग में फिर पांच वर्ण आएंगे, पहले हम कवर्ग के बारे में जानते हैं, क ख ग घ और ण। क के बारे में, क कपोतः, कपोतः क्या होता है, कबूतर, संस्कृत में कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोतः। ख खगह, खगह क्या होता है, पक्षी। ये ग के आगे बच्चों आप देख रहे हैं जो ये बिंदी लग रही है, इनको विसर्ग बोलते हैं, इनको इनकी जो आवाज हम उच्चारण करते समय ह साउंड करते हैं, हम इसको ह की आवाज निकलती है, ख ग के आगे लग गया है तो हम बोलेंगे ह खगह, क्या बोलेंगे, खगह। तो ये क्या हो जाएगा, खगह मीन्स पक्षी हो जाएगा, खगह पक्षी। व्यंजन ये आपको पता है बच्चों पांच वर्ग होते हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत हमारे आते हैं पांच वर्ण, क ख ग घ ण, पांच आते हैं। तो क वर्ग के बारे में जानते हैं हम, ये क, क कपोतः, कपोतः क्या होता है संस्कृत में, कबूतर। ख खग, खग खरगोश, खग पक्षी, ठीक है, खग पक्षी। ग, ग है गणेश, गणेश है क्या, गणेश भगवान। घ घटिका, घटिका माने घड़ी, दिख रही है आपको घड़ी। और अण
ये तो खाली होता ही है, इसका कुछ नहीं। तो अब हमने कवर्ग के बारे में जाना कि कवर्ग में पांच वर्ण जो आते हैं क ख ग घ ण, और उनके शब्दों के अर्थ के बारे में जाना। क से कपोतः यानी कि कबूतर, ख से खगह यानी कि पक्षी, ग से गणेश यानी कि भगवान गणेश, और घ से घटिका यानी कि घड़ी, और अण खाली होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है चवर्ग। चवर्ग के अंदर भी पांच वर्ण आते हैं, च छ ज झ और य, है ना। तो च च क्या है, चंद्र, चंद्र यानी कि चंद्रमा, छ छत्रम यानी कि छाता, ज जननी यानी कि जननी, कौन है जननी, जननी माता, झ झ से झश, झश किसको कहते हैं, क्या दिख रहा है आपको, मछली, मछली को संस्कृत में बोलते हैं झश, और ञ ये तो खाली होता है, य च छ ज झ ञ। अब नेक्स्ट हमारा बच्चों है ट, ट वर्ण वाला, ट ठ ड ढ ण, ये है हमारे टवर्ग के अंतर्गत। ट यानी कि टंकिका, टंकिका मीन्स क्या होता है, टंकिका माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, टंकिका। ठ ठकुरा, ठकुरा माने ठाकुर, भगवान ठकुरा ठाकुर। ड ड से डिम्भ, डिम्भ कौन है बच्चों, शेर का बच्चा। ढ यानी कि ढोल है, ढोल क्या होता है, ढोल। ट ठ ड ढ और ण तो खाली होता है, ट ठ ड ढ ण। अब आया बच्चों त वर्ग वाला, त वर्ग वाले वर्ण में क्या होता है, त थ द ध न, जो कि हमारा त थ द ध न, ये दांत हमारे दंत जिसमें लगते हैं, ये त वर्ग होता है, जबकि दांतों से जिनका उच्चारण होता है, जैसे आप बोल कर देखिए, उच्चारण करिए, त थ द ध सब में दांत लगता है, तो ये हमारे त वर्ग में आता है। जैसे कि त, त क्या है, तरु, तरु किसको कहते हैं, पेड़ को, वृक्ष को। थ, थ माने होता है थ, थ क्या होते हैं, पहाड़ी होती है, उसको थ बोलते हैं। द, द होता है दरवी, दरवी क्या होती है, करछी, जिससे मम्मी बनाती होंगी ना, करछी से सब्जी में बनाती है, चलाती है, वो करछी क्या होती है, दरवी, क्या होते हैं, दरवी बोलते हैं उसको। ध धनु, धनु क्या होता है, धनुष, दिख रहा है आपको, बो जिसे बोलते हैं धनु, ध धनु। और न, न से होता है बच्चों, इसको मत देखिए, न से होता है नकुल, नकुल माने ने। अब बच्चों हमारे हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य र ल व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं चार, कौन कौन से, य र ल और व। य क्या होता है, यज्ञ, यज्ञ कौन होता है, यज्ञ करना, जिससे यज्ञ करते हैं साधु लोग, महात्मा लोग, आपने देखा होगा यज्ञ करते हैं, य यज्ञ, यज्ञ करना। र रथ, रथ है ना, तो र से रथ, रथ। ल, ल होती है लूता, लूता क्या होती है, मकड़ी को संस्कृत में कहते हैं लूता। व से वट, वट क्या होता है, बरगद का पेड़, जिसे बैनियन ट्री बोलते हो ना आप, वट होता है, वट वृक्ष बोलते हैं ना, वट यानी कि बरगद का पेड़। तो ये हमारे थे बच्चों अंतस्थ वर्ण, य र ल व। अब हम जानेंगे ऊष्म वर्ण के बारे में, ये ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं हमारे, श श स और ह, ये चार कौन से होते हैं हमारे, ऊष्म वर्ण होते हैं। श क्या होता है, शशक, शशक कौन होता है, खरगोश, खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं, शशक। साथ साथ बच्चों आपको लर्न करते चलना है, याद करते चलना है, मेरे साथ साथ आप याद करते चलोगे तो आपको आगे आने वाली परीक्षा में आपको बहुत आसानी रहेगी। आप श से शशक खरगोश, श ये जो जिसे आप बोलते हो हिंदी में पेट कटा श, ऐसे बोलते हो ना, श षटकोण जिसे बोलते हो, ये इसमें श से बनाया है संस्कृत में शब्द षटपद, छह पैर है जिसके, वो कौन है, भौरा, तो षटपद। स सर्प, सर्प कौन होता है, आपको दिख रहा है, सांप। और ह से हलम यानी कि हल, ह से हल। तो इस प्रकार हमने बच्चों अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के बारे में भी जाना। अब हम संयुक्त वर्णों के बारे में भी जानते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। संयुक्त वर्ण होते हैं क्ष, क्ष क्षेत्रम, क्षेत्रम क्या होता है, खेत। हा? त्र
त्रिशूल, क्या होता है त्रिशूल, और ज्ञ, ज्ञ से होता है ज्ञप्ति, ज्ञप्ति क्या होती है विद्वान, विद्वान लोग होते हैं ज्ञप्ति, हाँ, और श्र से होता है श्रमिक, श्रमिक यानी कि जो मजदूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं श्रमिक बोलते हैं। तो देखो बच्चे अपने संयुक्त वर्ण के बारे में हमने जाना, और जैसे हम यहां देखेंगे बच्चों हम कैसे बनाते हैं, क्ष कैसे बनता है, कैसे संयुक्त होकर बनता है क प्लस, जिसे कहते हैं उसको हम संस्कृत में धन भी बोलते हैं, लेकिन हम आपको आपकी सुविधा के लिए प्लस बोल रहे हैं, क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू यानी कि बराबर क्या बन गया क्ष, ये वाला क्ष कैसे बना क्ष, क प्लस श प्लस अ क्या बना क्ष, जैसे त प्लस र प्लस अ क्या बना त्र, क्या बना त्र, और ज प्लस अ क्या बन गया ये ज्ञ, ज प्लस अ क्या बना ज्ञ, ऐसे ही श प्लस र प्लस अ क्या बना श्र, श्र कैसे बना श प्लस र प्लस अ, तो ये क्या बन गया श्र बन गया। तो अभी हमने संयुक्त वर्णों के बारे में जाना, और ये चारों संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं इसके बारे में आपने जाना, श कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है। वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन। दो भेद होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं, कौन कौन से होते हैं अ आ रे रे र ए आई ओ, ये 13 होते हैं स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह कति संति, नाम लिखो, अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह भी 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं अंग अनुस्वार और अनुनासिक, जिसे हम विसर्ग में बोलते हैं अंग और अह, ये होते हैं हमारे अयोगवाह। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में वर्ण कितने होते हैं, दो वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं स्वर और व्यंजन आपने जाना, स्वर कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ रि रि लृ ए आई ओ और औ। अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से अंग और अह। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो, क्या है यहां हमारा पहला शब्द, पहला शब्द हमारा है कपोतः, तो कपोतः, कपोतः को क्या बोलते हैं कबूतर, क्या बोलते हैं कबूतर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कपोतः कबूतर। चंद्रह क्या होता है, चंद्रमा या चांद भी लिख सकते हो आप। ठकुरा, ठकुरा क्या है ठाकुर। जननी, जननी क्या है माता। ओदनम क्या है चावल। शशक क्या है खरगोश, खरगोश। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों के अर्थ के बारे में जाना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों निम्नलिखित को जोड़ कर लिखो, जैसे है त र प्लस अ, त प्लस र प्लस अ तो क्या बनेगा त्र, है ना, ज प्लस ञ प्लस अ क्या बनेगा ज्ञ, क प्लस श प्लस अ क्या बनेगा क्ष, श प्लस र प्लस अ क्या बनेगा श्र। तो इस प्रकार हमने जाना बच्चों यहां कि हमने इनको जोड़कर इन शब्दों को लिखा कि इनसे क्या बनेगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों कि चित्रों को देखकर और उचित उत्तर, जो सही उत्तर है उसको हमें चुनना है कि वो सही उत्तर उसका क्या है। पहला है देखो ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या दिख रहा है आपको, अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको, अभी आप देखिए पत्रम या कि चित्रम या कि छत्रम, क्या दिख रहा है आपको, ये है पत्रम, राय पत्रम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको ये क्या दिख रहा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, द्रोणः या ऊणः या ऊर्मिका, क्या है
ये है अंगूठी और अंगूठी को कहते हैं ऊर्मिका। नेक्स्ट है हमारा फिर बच्चों, ये क्या दिख रही है आपको, सबको समझ में आ रहा है, घटिका या कि घूर्ण या घंटा, क्या है ये? घटिका। तो हमने यहाँ इस पर यहाँ निशान लगा दिया। तो आपने इस प्रकार बच्चों जाना कि हमने चित्र को देखा और चित्र में देखकर जो विकल्प दिए हुए थे इनके, उनमें से जो सही विकल्प था उसको हमने चुना और उस पर हमने सही का निशान लगा दिया। अच्छे से लगा दिया होगा आपने। अब ये रचनात्मक कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें आपको अपने अभ्यास पुस्तक से 5-5 स्वर और 5-5 व्यंजन चित्र सहित बनाने हैं, लिखने हैं और अपने अध्यापक और अपने अध्यापिका को दिखाना। 5 स्वर हो उनके चित्र भी बनाना और 5 व्यंजन हो उनके भी चित्र बनाना। इससे आपको इतना अच्छा लगेगा और आपको लगेगा अरे हमने ये बना दिया। इस प्रकार बच्चों आपने जाना इसके बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।